हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द वेरियस क्वेश्चंस यू हैव पुट अप ऑन माय वीडियोस। बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट आई हैव नॉट रिप्लाइड टू योर क्वेरीज। सो थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड मी ऑन द प्रीवियस वीडियोस व्हिच आई हैव अपलोडेड ऑन अवर चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल में, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जे एंड के कैंडिडेट्स, ठीक है। और उनकी एडमिशन रिलेटेड में पास 3.5 ईयर से मैं वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ और मोर देन 800 प्लस वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल। सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट ऑल्सो। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो पिकअप करते हैं कि मेरे को दे आर आस्किंग डैट 109.75 ओपन मेरिट, दे हैव कट मार्क्स ऑफ 109.75 ओपन मेरिट, तो जी एम सी बारामूला मिल सकता है। देखिए, आपका स्कोर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और वेरी हाई चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। हाँ, अब जी एम सी बारामूला अगर आप पर्टिकुलर बोल रहे हैं तो जी एम सी बारामूला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपसे ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने लोग जी एम सी बारामूला को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। नो डाउट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितने भी कट ऑफ्स निकलते हैं बी एस सी नर्सिंग के, सबसे ज़्यादा जो हायर साइड पे जो कट ऑफ जाता है जिन कॉलेजेस का जाता है वो कश्मीर डिवीज़न के होते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न, उनका जो कट ऑफ रेंज होता है वो थोड़ा हायर साइड पे होता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। ये मैंने पास्ट 1-2 ईयर से ये नोटिस किया ये चीज़। सेकेंड जो निकल के आ रहा है क्वेश्चन, डेट इज़ 75.75 पॉइंट्स एनी चांस ऑफ द बी एस सी रेडियोलॉजी इन कश्मीर गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए, चांसेस तो हैं लेकिन स्टिल वही बात आती है कि आपसे ऊपर कितने लोग कैंडिडेट्स हैं जो इस कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं कश्मीर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सो लेकिन मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन रहने वाला है कश्मीर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो चांसेस आर देयर लेकिन स्टिल नेक्स्ट CDP जिन्होंने लगवाया है उनका कितने मार्क्स मिलते हैं। देखिए, CDP कैटेगरी का आपको यू हैव टू कॉन्टैक्ट द JK BOPI ऑफिस रिगार्डिंग द मार्क्स, वो कितने मार्क्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका मुझे एक्जैक्टली अभी अपडेट नहीं है इस साल का 2024 का, सो यू कैन कॉन्टैक्ट द JK BOPI ऑफिस। इसके बाद स्पेशल BEd का सिलेक्शन लिस्ट कब तक निकलेगा, जब भी इसका कोई अपडेट आएगा मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा, अभी तक मेरे पास इसका कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, डेट इज़ 1357 रैंक GNM गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखिए, 1357 मुझे तो ज़्यादा चांसेस प्राइवेट के लग रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है 47 पॉइंट्स एनी चांस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, मुझे तो लगता है, ठीक है, मुझे चांसेस तो लग रहे हैं कि आपका फर्स्ट राउंड में फॉल कर जाएगा, क्योंकि जो बी एस सी नर्सिंग का जो कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है आपका जो रहने वाला है डेट इज़ नियरली 35 के आसपास रहने वाला है, तो आपका फॉल कर जाएगा, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसके बाद GNM की काउंसलिंग से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं। देखिए, GNM की काउंसलिंग भी सारे लोग वेट कर रहे हैं, वेरी सून GNM की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप वेट कीजिए, जैसे ही काउंसलिंग GNM का कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट अपने चैनल पे दे दूंगा। GNM लेटर एंट्री की काउंसलिंग कुछ ही दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, GNM लेटर एंट्री और बी एस सी नर्सिंग की काउंसलिंग तो ऑनलाइन रहने वाली मुझे जहाँ तक लगता है, GNM और GNM लेटर एंट्री की तो ऑफलाइन रहेगी, लेकिन अब कब होती है, इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, चांसेस आर देयर। उसके बाद नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, सर माई रैंक इज 69 ओपन मेरिट, योर रैंक इज 69, तो चांसेस आर वेरी हाई फॉर इफ़ यू आर आस्किंग फॉर द GNM, आपका रैंक 69 है, चांसेस आर देयर कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है 65 पॉइंट्स विद RBN चांस इन द गवर्नमेंट कॉलेज इन J&K, अगर आप BC नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो हाँ, चांसेस आर देयर, हो सकता है, लेकिन
वही है बात आती है, 50-50 रहता है इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो रैंक है वो ऑन ए हायर साइड है इस बार एज़ कम्पेयर टू 2023। सो मे बी चांसेस आर देयर, क्योंकि आपकी कैटेगरी भी है, तो मेरे को लगता है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट व्यू, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अवर चैनल, फॉर व्यूइंग अवर वीडियोज़, फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज़ द मोटिवेशन वी वॉन्ट, एटलीस्ट ए कमेंट फ्रॉम योर एंड, ठीक है, विच मोटिवेट्स अस कि हमें एक नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल बनानी है, आप लोगों को अपडेट देना है। अगर जिन वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते या हम भी थोड़ा डीमोटिवेट रहते हैं, लाइक्स नहीं आते, तो एटलीस्ट आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। सेकंड जो नेक्स्ट जो चीज़ निकल के आ रही, डेट इज़ फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री, अगेन दे आर आस्किंग फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री काउंसिलिंग, कुछ ही दिनों में ये काउंसिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। FMPAW की एडमिशन कब तक होगी, FMPAW की अभी तक तो थोड़ी नहीं हुई है, अभी इसमें टाइम लगेगा, आई थिंक अगस्त एंडिंग तक इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड कब होगा, आई थिंक ये किस चीज़ का बोल रहे हैं, हाँ जी इंजीनियरिंग का लिए पूछ रहे हैं, इंजीनियरिंग का जो सेकेंड राउंड है वो जुलाई मिड तक लग रहा है मुझे इसके चांसेस, ठीक है, कि ये इसके स्टार्ट होंगे या एंडिंग जुलाई तक। 34.47 RB एनी चांस, एक्चुअली मुझे इसकी ना इनका पता नहीं चल रही कौन सा वो वीडियो के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है, तो आप प्लीज़ अपना वो बोलिएगा कि बताइए, ठीक है, कि आपका किस कोर्स के लिए आप ये मुझे पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली इसमें मैंने इसका वॉलपेपर नहीं डाला था, जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि कौन सी वीडियो है। मिस द काउंसलिंग बट वी कैन डू नाउ, आई एम ऑन रैंक 154। आई थिंक इन्होंने इंजीनियरिंग की काउंसलिंग को मिस कर दिया है, ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट राउंड मिस कर दिया है या पूरे फर्स्ट राउंड ही अगर मिस कर दिया है, तो फिर आप सेकेंड राउंड का वेट कीजिए, सेकेंड राउंड में आप जा सकते हैं, ठीक है। आई गॉट 154 रैंक, ठीक है, केम टू नो अबाउट द काउंसलिंग व्हेन अराउंड 1 वाज एंड, व्हाट शुड आई डू नाउ, प्लीज़ हेल्प, सेकेंड राउंड, वेट फॉर द सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में आप जा सकेंगे, जब भी होगा आप जा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ आंसर की के बारे में बोला, मैंने इनका आई थिंक रिप्लाई कर दिया था, सर मेरा 2603 रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आई थिंक ये जीनम लिटिल एंट्री के लिए अगर ये बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट तो नहीं, अगर आप जीनम लिटिल एंट्री की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट के ही ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट जो जीनम लिटिल एंट्री की काउंसलिंग का ये पूछ रहे हैं, जीनम लिटिल एंट्री की काउंसलिंग जब भी होगी आई विल अपडेट यू, ठीक है, आई थिंक इस मंथ के लास्ट तक इसका कोई ना कोई अपडेट निकल के आ जाएगा रिगार्डिंग द काउंसलिंग, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको उसको अपडेट दे दूंगा अपने चैनल के ऊपर। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि टेंटिव कट ऑफ अबाउट द जीएनएम एएमटी स्कूल, देखिए मैं पर्टिकुलर कॉलेज का तो कट ऑफ अभी नहीं बता सकता हूँ, आई हैव टू कैलकुलेट इट, जैसे ही इसका आएगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। जीएनएम के लिए अगर आप पूछ रहे हैं, जीएनएम में तो काफ़ी शेड्यूल काफ़ी सीट्स लिमिटेड हैं, तो काफ़ी हायर साइड पे ही जाने वाला है, ठीक है। जीएनएम की काउंसलिंग का ये भी मेरे को जीएनएम का ही पूछ रहे हैं, तो जीएनएम की काउंसलिंग जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, इस मंथ के लास्ट तक लग रहा है, ये भी जीएनएम का बोल रहे पूछ रहे हैं मेरे को, ठीक है। उसके बाद FMPSW के ये एंट्रेंस का पूछ रहे थे, एंट्रेंस का देखिए अगर एंट्रेंस का कोई भी अपडेट आता, अभी इस बार तो सालों के इंजीनियरिंग के सॉरी जो सालों के एंट्रेंस ही हो रहे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो जीएनएम हो, जिसका फर्स्ट टाइम इन्होंने एंट्रेंस लिया है, तो FMPAW का भी मुझे लगता है कि शायद इसका कोई अपडेट एंट्रेंस हो सकता है, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द FMPAW, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर वो परसेंटेज बेसिस पे ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 27% क्या कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, मे बी, ठीक है, मे बी, ठीक है, आपका अभी 27% क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, रैंक है या क्या है ये स्कोर है, लेकिन आप उसको थोड़ा बेटर क्लेरिफाई मुझे अगर कर दें तो मैं बेटर रिप्लाई आपको दे पाऊँगा। तो उसके बाद जीएनएम की काउंसलिंग का यही मेरे को पूछ रहे हैं, ठीक है, जीएनएम की काउंसलिंग के लिए जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको दे दूँगा, इस मंथ के लास्ट तक चांसेस आ रही है कि इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस को मैं टेकअप कर पाऊंगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है, चाहे जी एन एम हो, जी एम रिलेटेड एंटी हो, बी एस सी नर्सिंग हो, बी एस सी नर्सिंग का कट ऑफ हो, उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक भी दिया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।